The topic for today's discussion is the uveitis and the reference is khurana. Okay, so what is uveitis? It is the inflammation of the uveal tissue. But ye uveal tissue kya hai? Theek hai, thodi si normal anatomy dekh lete hai ek bar. Uveal tissue mein include hota hai iris, ciliary body aur choroid. Theek hai, आयरिस के बारे में देखेंगे. आयरिस का यहाँ पे स्ट्रोमा होता है जिसमें स्पिंक्चर प्यूपिली, डायलेटर प्यूपिली और कनेक्टिव टिश्यू होगा. ये है एंटीरियर लिमिटिंग लेयर. ठीक है, देखिए जो ब्लैक कलर की लाइनिंग है वो है पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर, रेड वाली है एंटीरियर एपिथेलियल लेयर. पोस्टीरियर एपिथेलियल लेयर सिलियरी बॉडी में कंटिन्यू होती है एज अ नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर. ओके, एंड एंटीरियर एपिथीलियर कंटिन्यू होती है पिगमेंटेड एपिथीलियम इन दी सिलेरी बॉडी. सिलेरी बॉडी आगे जाके कोरोइड में जो है कंटिन्यू होता है. ठीक है, इनका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे यूवेइटिस या आयरिडोसाइक्लाइटिस कहा जाता है. ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसकी इटियोलॉजी. तीन कॉजेज है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शन एंड मैस्कोराइड सिंड्रोम. ओके, इन्फेक्शियस एक्सोजीनियस है, एंडोजीनियस है और सेकेंडरी है. देखिए एक्सोजीनियस की मैं बात करूं तो वो आउटसाइड से आता है, समझ ही आ रहा है. पेनिट्रेटिंग इंजुरी, कॉर्नियल अल्सर परफोरेशन, पोस्ट ऑपरेटिवली ऐसे ये एंटर कर सकता है आई में. एंडोजीनियस इन्फेक्शन की बात करें तो इन्फेक्शन इज प्रेजेंट इन दी बॉडी और ब्लड के थ्रू वो आ सकता है आई तक. सेकेंडरी नेबरिंग स्ट्रक्चर से, नेबरिंग स्ट्रक्चर में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, केराटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, उसके थ्रू इन्फेक्शन आ सकता है. इन्फेक्शन के टाइप की बात करें तो इट में भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक और रिकेट्शियल इन्फेक्शन. ओके, देखिए नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज अब हम देखेंगे जो है ऑटो इम्यून, अटॉपिक यूवेइटिस, ट्रॉमेटिक यूवेइटिस, टॉक्सिक यूवेइटिस एंड इडियोपैथिक. ओके, ऑटो इम्यून की बात करें तो वो HLA एसोसिएटेड सिस्टमिक डिजीज हो सकती है और दूसरी कुछ सिस्टमिक डिजीज हो सकती है. HLA एसोसिएटेड के एग्जाम्पल्स हो गए जैसे रियाइटर सिंड्रोम, एंकलाइजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस. ठीक है, अदर में हो गए यू नो ये पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा, एरिथमा नोड्यूसम, डायबिटीज, काउट. ठीक है, अटॉपिक यूवेइटिस ज्यादातर एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स वगैरह की वजह से होता है. मैस्कोराइड सिंड्रोम की हम बात करते हैं, नॉन नियोप्लास्टिक हो सकता है, नियोप्लास्टिक, नियोप्लास्टिक में भी लिम्फॉइड और नॉन लिम्फॉइड हो सकता है. इसका एक एग्जाम्पल है रेटिनोब्लास्टोमा. ठीक है, इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नॉन नियोप्लास्टिक का एग्जांपल हो गया. ओके, आइए डिस्कस करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स. पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स की. ओके, सी सिम्टम्स में पेशेंट आता है और कहता है कि उसे पेन की प्रॉब्लम हो रही है, डल, एकिंग, थ्रॉमिंग पेन होता है. इट इज रेफर्ड अलॉन्ग दी फिफ्थ नर्व. ओके, फिर अगर आप पेशेंट की आंखें देखेंगे तो रेडेंड होती है ड्यू टू द सकम कॉर्नियल कंजेशन. ओके, फोटोफोबिया, इंटॉलरेंस टू लाइट, ब्लेफारोस्पैज्म. ठीक है, सी ब्लेफारोस्पैज्म क्या होता है, इट इज द इन्वॉलंटरी मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट ऑफ द आईलिड्स. ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ नर्व बिकॉज दे आर सप्लाइंग द ऑर्बिकुलरिस ऑक्युली मसल. ठीक है, लैक्रिमेशन की बात करें तो लैक्रिमेशन के लिए रिफ्लेक्स भेजता है फिफ्थ नर्व, सिक्रेटरी मोटर है सेवेंथ नर्व. डिफेक्टिव विजन, पेशेंट कंप्लेन करेगा डिफेक्टिव विजन की, क्यों कंप्लेन करेगा, ये रीजंस है. कॉर्नियल हेज हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, प्यूपिलरी ब्लॉक, विट्रस हेज हो सकता है, सिलियरी स्पैज्म, मैक्यूलर एडिमा. ठीक है, आपको ये जस्ट पॉइंट नोट करने हैं, थ्योरी में डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी है. आइए बात करते हैं साइंस की. लिड में आप देखेंगे एडिमा दिखता है, सर्कम कॉर्नियल कंजेशन जिसकी वजह से रेडेंड आई होती है. मैं अभी आपको रेडेंड आई की फोटो दिखा देती हूँ. मार्ग एक्यूट आयरिडोसी, एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस में ये मार्ग्ड होता है सर्कम कॉर्नियल कंजेशन और क्रॉनिक आयरिडोसाइक्लाइटिस में ये मिनिमम होता है. ओके, देखिए किस तरीके से ये जो आई है कितनी रेडेंड हो चुकी है, आप देख सकते हैं. आयरिडोसाइक्लाइटिस के पेशेंट की आई भी ऐसे ही नजर आती है. ओके, आइए डिस्कस करते हैं अब कॉर्नियल साइंस. सी कॉर्निया में एडिमा देखने को मिलेगा और पोस्टीरियर और कॉर्नियल ओपेसिटी देखने को मिलेगी. उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैराटेटिक प्रेसिपिटेट्स, दीज आर द प्रोटीनियस सेल्यूलर डिपॉजिट्स अकरिंग एट द बैक ऑफ द कॉर्निया इन अ ट्रायंगुलर फैशन. ओके, इसके टाइप्स देखते हैं, म्यूटेंट फैट केपीज, दीज आर समवट यू नो वैक्सीन अपीरियंस. ठीक है, ग्रैन्यूलर केपीज, जो ग्रैन्यूलर केपीज है वो नॉन ग्रैन्यूलोमेटस यूवेइटिस में देखने को मिलते हैं.
देखिए जो स्टीलियट केपीज है ये क्या करते हैं कि जो कॉर्नियल एपिथीलियम है उसके पीछे मतलब डिपोजिशन ये करते हैं, ठीक है। एंडोथीलियल डस्टिंग देखने को मिलती है, सॉरी कॉर्निया के एंडोथीलियम के पीछे ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। ओल्ड केपीज का फॉर्म होते हैं जब इन तीनों का हीलिंग हो जाता है, तब ये बहुत पिगमेंटेड और इरेगुलर से नजर आएंगे। ओके चलिए बात करते हैं एंटीरियर चेम्बर साइंस की। देखिए एंटीरियर चेम्बर साइन में आपको नोट क्या करना है, एक्वस सेल्स एक्वस फ्लेयर नोट करना है, और इसकी ग्रेडिंग हम करते हैं अकॉर्डिंग टू सन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूवीआईटिस नॉमेनक्लेचर, वाइवा में पूछ सकते हैं। हमने डेप्थ देखनी है एंटीरियर चेम्बर की, हमने शेप देखना है, ठीक है, एंगल देख लेना है, हाइपोपोइन वगैरह है कि नहीं देखना है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्वस सेल्स, एक्वस सेल्स ऑब्लिक स्लिट से देखते हैं जो 1 mm लॉन्ग और 1 mm वाइड होनी चाहिए, ठीक है। कैसे देखेंगे, माइनस है मतलब एक से भी कम सेल है, प्लस माइनस 1 to 5 सेल्स है, प्लस 1 मतलब 6 to 15 सेल्स है, ठीक है, प्लस 2 मतलब 16 to 25 सेल्स है, और प्लस 4 मतलब 26 to 50 सेल्स है, और प्लस 4 मतलब ओवर 50 सेल्स, 50 सेल्स से भी ज्यादा सेल्स है। ये ग्रेडिंग जो है वाइवा में पूछी जाती है। देखिए अब हम बात करेंगे एक्वस फ्लेयर के बारे में, इट इज दी अर्लीस्ट साइन ऑफ एक्यूट, ठीक है, एक्यूट यूवीआईटिस। एक्वस फ्लेयर क्यों होता है, देखिए क्या होता है कि जो ब्लड वेसल से वो डैमेज हो जाती है उसमें से प्रोटीन पार्टिकल्स लीक करके एक्वस ह्यूमन में चले जाते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर चेम्बर में, ठीक है। अब अगर आप टिंडल इफेक्ट, एक लाइट बीम ऑफ लाइट थ्रो करेंगे तो ब्राउनियन मूवमेंट दिखती है इन्हीं प्रोटीन पार्टिकल्स की। ये दोनों ही फिनोमेना क्लास 8 का कंसेप्ट है, ठीक है, आपको आता ही होगा। अब इसकी ग्रेडिंग अगर हम करें तो 0, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3 और प्लस 4, 0 मतलब नो एक्वस फ्लेयर, प्लस 1 मतलब फेंट, प्लस 2 मतलब मॉडरेट फ्लेयर, प्लस 3 मतलब मार्क फ्लेयर, एंड प्लस 4 मतलब होता है इंटेंस फ्लेयर। ओके एंटीरियर चेम्बर में हाइपोपोइन देखने को मिलेगा, ठीक है। डेप्थ और शेप ऑफ एंटीरियर चेम्बर डीप हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोस्टीरियर सिनकी, और फ्लेम शेप्ड हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन्यूलर सिनकी। अब एंगल में क्या चेंजेस आएंगे एंटीरियर चेम्बर के, तो देखिए पोस्टीरियर एंटीरियर सिनकी फॉर्मेशन अगर होगा तो धीरे धीरे एंगल कम होता जाएगा। ओके देखते हैं अब हम आयरिस साइंस, ठीक है। देखिए जो नॉर्मल पैटर्न है आयरिस का वो लॉस हो जाता है जब वो एक्टिव फेज में डिजीज होती है, तो एडमा की वजह से लॉस्ट होता है, और जब क्रॉनिक फेज में डिजीज होती है तो ओटोट्रॉपी की वजह से लॉस्ट होता है। आयरिस के कलर में आप चेंज देखेंगे, पिगमेंटेशन डीपिगमेंटेशन। आयरिस नोड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रैन्युलोमेटस यूवीआईटिस में होते हैं कोइपिस नोड्यूल्स एंड बसाकास नोड्यूल्स। ओके सी कोइपिस नोड्यूल्स कहाँ पे होता है, देखिए जरा ये जो प्यूपिलरी बॉर्डर है आयरिस की, यहाँ पे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे। तो होता क्या है कि धीरे धीरे ये पोस्टीरियर सिनकी भी फॉर्म कर सकते हैं। जब ये एक बार पोस्टीरियर सिनकी फॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आयरिस बहुत इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बसाकास नोड्यूल्स है। पोस्टीरियर सिनकी के बारे में डिस्कशन करेंगे तो दीज आर द एडिशंस बिटवीन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आयरिस एंड द एंटीरियर कैप्सूल ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। ओके पोस्टीरियर सिनकी सेगमेंटेड हो सकते हैं, एन्यूलर हो सकता है, टोटल हो सकता है। उसके अलावा आयरिस की न्योवेस्कुलराइजेशन देखने को मिल सकती है। ओके चलिए बात करते हैं प्यूपिलरी साइंस की। देखिए प्यूपिल नैरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयरिस का एडिमा हो जाएगा। आयरिस का एडिमा अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कैसे प्यूपिल नैरो हो गया है। इरेगुलर प्यूपिल शेप मैंने ऊपर ही बताया कोइपिस नोड्यूल की वजह से होता है, मैं अभी आपको फोटो भी शो कर दूंगी। तो इट इज ड्यू टू द पीएएस, ठीक है। इस फेज में जब आप डायलिटेशन करेंगे विद एनी माइड्रेटिक्स तो फिस्ट्यून प्यूपिल देखने को मिलता है। ओके एक्ट्रोपियन प्यूपिल, ऑक्लूजिव प्यूपिली। सी ऑक्लूजिव प्यूपिल कब होगा, जब यहाँ का एक्सडुएट प्यूपिल के सामने से अरेंज हो जाएगा तब ये होता है, स्लगिश रिएक्शन हो जाएंगे प्यूपिल के। देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो प्यूपिल है उसकी मार्जिन कितनी इरेग्युलर हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे मार्जिन पे ही कोइपिस नोड्यूल्स बनते हैं और बाकी जगह यहाँ पे ये जो है येल्लोइश वो बसाकास नोड्यूल्स है। ये सेकेंड डायग्राम अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिस्ट्यून प्यूपिल है, ठीक है। पोस्टीरियर सिनकी फॉर्मेशन की वजह से ऐसा लुक आता है आई का पेशेंट में, रेडेंड आई भी आप देख सकते हैं। लेंस में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, पिगमेंट डिस्पर्सल हो सकता है एंटीरियर कैप्सूल पे, एक्सडुएट डिपॉजिट हो सकता है, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू द कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। चेंजेस इन विट्रस एंड रेटिना, सी रेटिना में सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा देखने को मिल सकता है, विट्रस में एक्सडुएट देखने को मिल सकता है। आईओपी नॉर्मल भी हो सकता है, इंक्रीज कर जाता है अगर सेकेंडरी ग्लॉकोमा एसोसिएटेड है, या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है।
देखिए ये डायग्राम जो है वो एक एक खुराना की डायग्राम है और आपको ये थ्योरी एग्जाम में ड्रॉ करनी है जिसमें अभी तक जो मैंने फीचर्स बताए वही एक्सप्लेन किए गए हैं. ओके अब कॉम्प्लिकेशंस की हम बात करेंगे. सी अर्ली ग्लोकोमा होगा ठीक है. आप देख सकते हैं अर्ली ग्लोकोमा इज ड्यू टू द क्लॉगिंग ऑफ द ट्रैबैकुलर मेशवर्क विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द ड्रेनेज. ओके लेट ग्लोकोमा प्यूपिलरी ब्लॉक की वजह से या पीएएस की वजह से हो सकता है. अगर आपको आपको ग्लोकोमा के लेक्चर देखना है तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है. कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट देखने को मिलेगा. साइक्लेटिक मेम्ब्रेन देखने को मिल सकती है. कोरायडाइटिस रेटिनल कॉम्प्लिकेशन लाइक मैक्यूलर होल मैक्यूलर स्टार मैक्यूलर एडिमा बैंड शेप्ड केराटोपैथी देखने को मिल सकती है. ओके नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट. नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देंगे और फिर कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करेंगे. नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में लोकल थेरेपी है सिस्टमिक थेरेपी है. देखिए लोकल थेरेपी में सबसे पहले साइक्लोप्लाजिक ड्रग देना है 1% एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप देंगे पेशेंट को. एट्रोपिन देने से जो सिलेरी स्पैज्म हो रहा है वो रिलीफ हो जाएगा. पेशेंट को कम्फर्ट मिलता है. इट प्रिवेंट्स एंड ब्रेक्स द पोस्टीरियर सिनकी. हाइपरीमिया कम होगा ठीक है. हाइपरीमिया कम करता है एट्रोपिन जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक्सडुएट कम हो जाएगा. एट्रोपिन एंटीरियर यूवियल मसल सॉरी ये जो एंटीरियर यूवियल यहाँ पे टिश्यू आएगा. ओके एंटीरियर यूवियल टिश्यू जो है उसका ब्लड सप्लाई बढ़ाता है ठीक है. एंटीबॉडीज बढ़ेंगी ठीक है. ह्यूमरल इम्यूनिटी बढ़ेगी. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के तीन इफेक्ट है एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी एलर्जिक एंड एंटी फाइब्रोटिक एक्टिविटी. इसके थ्रू रिलीफ मिलेगा. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी कहीं हद तक एक अम्ब्रेला कवर की तरह जो है अपना रोल परफॉर्म करती है. सिस्टमिक थेरेपी की बात करेंगे. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को देने हैं. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डेफिनेटिव रोल दिखाता है नॉन ग्रैनुलोमेटस यूवेइटिस या आयरिडोसाइक्लाइटिस में. एनएसएआईडीज हम पेशेंट को देते हैं जिसे एस्पिरिन दे सकते हैं. एनएसएआईडीज यूजुअली हम तब देते हैं जब स्टेरॉइड्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं. ओके सी फिनाइल ब्यूटाजोन ऑक्सीब्यूटाजोन तब देना है अगर यूवेइटिस रूमेटॉइड डिजीज के साथ एसोसिएटेड पाई गई तो. इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स की अब हम बात करेंगे. देखिए अगर आप स्टेरॉइड्स पेशेंट को देते ही जा रहे हैं फिर भी पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है एक्सट्रीमली सीरियस केस हो गया है ब्लाइंडनेस के चांसेस बहुत है पेशेंट में तब हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देंगे पेशेंट को. साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह क्लोराम्ब्यूसिल जो है हम दे सकते हैं. एजिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन ये तो क्लमाइडल इन्फेक्शन के की ड्रग्स है ठीक है. अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मतलब क्या. अंडरलाइंग कॉज पता कीजिए उसको ट्रीट कीजिए. अगर आपको कॉज का पता नहीं चल रहा तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देके देखिए काफी हद तक हेल्पफुल पाए गए हैं. कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना है. देखिए इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा है तो आईओपी लोअर करना है. पोस्ट इन्फ्लेमेटरी ग्लोकोमा है तो सिनकी फॉर्मेशन पक्का होगी. लेजर आयरिडोटोमी करनी है. कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट को रेटिनल डिटैचमेंट को अकॉर्डिंगली यू नो ट्रीट करना है. थैसिस बल्बी में क्या करना है ई न्यूक्लिएशन करना है. एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है ठीक. इस तरीके से हमने आज का लेक्चर कंप्लीट किया है. अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए आपको इसके फोटोज मिल जाएंगे. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करें कमेंट करके मुझे बताएं शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.